हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्टेंट ग्लोइंग फेस रेमेडी के बारे में बताने वाली हूं, जिसका अगर प्रयोग शादी पार्टी में कहीं भी जाने से पहले कर लेंगे तो गजब का निखार और गजब का ग्लो आपके चेहरे पे देखने में आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इस इंस्टेंट ग्लोइंग फेस पैक को बनाने के लिए इसमें हम जो फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको फेयर एंड लवली क्रीम का प्रयोग करना है, जो कि आपको 10 रुपए के पाउच पर मिल जाएगा और अफोर्डेबल भी होता है, या आपके पास जो भी हो पैकेट वाला या कुछ भी, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फेयर एंड लवली क्रीम का प्रयोग काफ़ी पुराने समय से आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और ये आपके रंग को साफ भी करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो। यहाँ पे आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लेना है और इसे आपको फेंटना है। फेंटना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, फेंटेंगे तो आप जो क्रीम है बिल्कुल ही क्रीमी टेक्स्चर में आ जाएगा, इसलिए आपको थोड़ी देर इसको फेंट लेना है। उसके बाद जो है हम इसमें कुछ और इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। तो अभी जो है मैंने फेयर एंड लवली क्रीम को फेंट लिया है और ये क्रीमी टेक्स्चर में आ चुका है। अब इसमें हम जो सेकेंड इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वो आपके चेहरे के रंग को निखारने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके लिए आपको यहाँ पे कच्चे दूध का प्रयोग करना है। कच्चा दूध जो है आपके चेहरे के रंग को साफ करता है, दाग धब्बे की जो समस्या होती है उसको दूर करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आपको 1 चम्मच जो है कच्चे दूध का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको बॉयल किया हुआ दूध यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे कच्चा दूध को डाल दूंगी और इन दोनों चीज़ों को भी आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब तक ये अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाएगा, क्रीमी टेक्स्चर में नहीं आ जाएगा, तब तक आपको इसे मिक्स करना है। तो मैंने जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे जो हम थर्ड इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उसके लिए आपको नींबू का प्रयोग करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स फेयर एंड लवली क्रीम में नींबू के प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने में आता है, बहुत ही अच्छा ग्लो दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको नींबू के रस का प्रयोग करना है। अभी जितना आपको ज़रूरत होगी उतना प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि नींबू जो है वो भी आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ पर जैसे ही आप इसे फेंटना शुरू कर देंगे तो ये फट जाएगा, जैसे कि दूध फटता है इस तरीके से ये फटेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे और भी मुझे ज़रूरत थी तो नींबू का रस का मैं प्रयोग कर रही हूँ, तो आप अपने क्वांटिटी जो है अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब हम जैसे ही इसे ये फट जाएगा, लेकिन हम जैसे ही इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे, बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हम फोर्थ इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उसके लिए आपको शहद का प्रयोग करना है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ये एक जो है नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, आपके स्किन पर ग्लो लाता है और जो फेशियल हेयर होते हैं उसे ब्लीच करने का काम करता है, और ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है शहद। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पे शहद का प्रयोग करना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जितने भी हमें इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं अच्छे तरीके से इसमें जो है मिक्स हो जाए, और ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि हमने जो भी चीज़ इसमें यूज किया है, कच्चे दूध का प्रयोग किया है और शहद का और नींबू का, ये सबके सब जो है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और इसके पहले आपको यहाँ पे मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना है। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इस फेस पैक को लगाने से पहले आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना है, अच्छे तरीके से आपको मसाज कर लेना है, ताकि जो मॉइस्चराइजर हो आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने जो है अच्छे तरीके से लगा लिया है और स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस जो रेमेडी को हमने बनाया है उसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब आपको फेस पैक को, इस रेमेडी को लेना है अपने फेस पे, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा लेना है, फेस से नेक के पास भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। और इसे अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है क्लॉक वाइज, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। तो मैं यहाँ पे आपको अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ, और इसे जो है अप्लाई करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, जब तक ये सूख जाएगा, बिल्कुल ही ड्राई होगा तो कैसे दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगी सूखने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसे जो है 15 मिनट रखा था, 15 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, सूख गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे उतारना कैसे है। तो आपको डायरेक्टली वॉश नहीं करना है, कॉटन के रुमाल ले लेने हैं या कॉटन का टॉयल ले लीजिए, और इसे गीला कर लेना है आपको पानी से, और आपको पोंछना है इसे डायरेक्टली पानी से, आपको वॉश नहीं करना है, आपको पोंछ लेना है अच्छे तरीके से। और पोंछने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसे दिखेगा आपको। और इसे पोंछने के बाद आप इसे आधा एक घंटे के बाद भले जो है पानी से, सादे पानी से वॉश कर सकते हैं, लेकिन पहले पोंछना ही है आपको। पोंछने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि जहाँ तक जो है मैंने इस पैक को लगाया था, इस रेमेडी को लगाया था, वहाँ तक स्किन कितनी साफ दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट
मिलता है अगर आप इसे लगाएंगे तो आपको लाइव रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। आप इसे पार्टी शादी में जाने से पहले भी इसे लगा सकते हैं या वीक में ऐसे भी 2 से 3 बार लगाएंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत इफेक्टिव फेस पैक है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज़ की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।